बॉलीवुड के एक हैंडसम हंक के साथ जो दिल्ली आए हैं अपनी मूवी उंगली के प्रमोशन के लिए. जैसा कि मूवी के नाम से लगता है कि मूवी बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो आइए जानते हैं अंगद से उनकी मूवी उंगली के बारे में. थैंक यू, आपने बहुत ही सुंदर इंट्रोडक्शन दिया है. इट्स मेड मी ब्लश. उंगली एक ऐसी पिक्चर है जो एक कॉमन मैन की फ्रस्ट्रेशन के बारे में है. इट्स सीरियस नहीं है, इट्स अ फनी टेक ऑन द सिस्टम. इट्स टोटली नॉन वायलेंट. एक ऐसी फिल्म है जो कि जो यूथ की आवाज़ है वो हमारे थ्रू दिखाई गई है. एक गैंग है विच इज़ ऑफ एक गैराज मैकेनिक है, एक कंप्यूटर गीक है, एक नर्सिंग गर्ल है और एक क्राइम रिपोर्टर है. कैसे ये सब दोस्त हैं, एक फॉर्म ऑफ ट्रेनिंग करते हैं क्रॉसफिट, और कैसे वहाँ पर इनकी बॉन्डिंग होती है, और कैसे ये जब देखते हैं कि इनका एक खुद का जो दोस्त है वो गोज इन टू अ कोमा बिकॉज ऑफ एन एक्सीडेंट, उसके राइट्स के लिए जब ये लड़ते हैं तो उनको रियलाइज़ होता है कि ऐसे अगर इस इशू को सीरियसली नहीं लिया गया तो कुछ नहीं हो सकता. तब ये जाके गैंग हर किसी आम इंसान की जो कठिनाई है, प्रॉब्लम है या जो भी उसकी डे टू डे इशूज़ है उसको उठाता है, वो उस मुद्दे को उठाता है और उस मुद्दे को सॉल्व करने की कोशिश. तो इन अ वे आप एक रेबल का रोल प्ले कर रहे हैं वो डजंट टेक थिंग्स लाइंग डाउन, राइट? जी बिल्कुल. तो क्या आप रियल लाइफ में भी ऐसे हैं या सिर्फ मूवी में दिखा लेंगे? नहीं, इन रियल लाइफ आई हैव एन ओपिनियन. बहुत ज़रूरी है कि एक इंसान का ओपिनियन हो, वेदर इज़ गुड और बैड. या तो मेरे सामने या तो आपको पसंद किया जाना चाहिए या आपको बिल्कुल हेट करना. अगर लोग आपके ओपिनियन नहीं चाहते हैं तो फिर इट्स देयर प्रॉब्लम, बट यू शुड हैव एन ओपिनियन वेदर वॉट एवर इट. डिप्लोमेसी इज ग्रेट बट इट डजेंट गेट यू एनी, यू नो. सो समवेयर ऑन द लाइन इवन दिस गैंग इज वेरी अनअपोलोजेटिक. इनको इनका एक ओपिनियन है, इनका एक काम करने का तरीका है. नाइव हैं, इनोसेंट्स हैं, प्रोफेशनल्स नहीं हैं, लेकिन बस एक जिस तरीके से इनको सही लगता है उस तरीके से ये कोशिश करना है. तो जैसा कि आपने कहा कि आपका अपना एक ओपिनियन है, तो आई एम श्योर रियल लाइफ में भी आपने कभी ऐसा किया होगा जब आपने किसी चीज़ के खिलाफ वॉइस रेज की. तो प्लीज़ आप अपना कोई ऐसा एक्सपीरियंस शेयर करें जब आपने रियल लाइफ में किसी खराब चीज़ को उंगली की. खराब चीज़ मुझे एक चीज़ से बहुत ही घिन आती है, जब इंसान अपनी जैसे अगर कोई पोजीशन के लिए अप्रोच लगाए या कोई सिफारिश करे, कोई किसी को अगर स्पोर्ट में भी कोई पोजीशन चाहिए होती है कोई भी गेम में, चलो यार आप किसको जानते हो उसके थ्रू अप्रोच लगाओ, मेरे बेटे को ले लो, किसी मिनिस्टर का बेटा है, किसी इन्फ्लुएंशियल आदमी का बेटा है या किसी पुलिस, मतलब इट डजंट मैटर. इवेंचुअली जो अच्छी बात होनी चाहिए उस इंसान में कला की, उस कला को आप दे, उस कला को आप आगे. इवेंचुअली क्या होगा, आपको अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी इफ यू नॉट डिजर्व. लेकिन जैसे कहते हैं ना, जंगल में मोर नाचा किसने देखा. इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि अगर आपको इफ यू आर गुड, इफ यू टैलेंटेड, यू शुड बी पुश्ड अहेड. आपको मौका मिलना चाहिए, क्योंकि जब वो मौका नहीं मिलता है टाइम से तो आप आदमी डिसहार्टन. सो इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि हम जैसे मैं क्रिकेट खेलता था, दिल्ली के लिए मैं खेला हूँ, मेरी जो एसोसिएशन होती थी मुझे सपोर्ट नहीं करती, मैं उनके अगेंस्ट लड़ा हूँ, उनके खिलाफ गया था क्योंकि मुझे लगा कि ये लोग किसी और को फेवर करें. तो मैंने उनको जाके बताया, एसोसिएशन वालों को बताया, जो इंचार्ज थे, जो सेक्रेटरी, सबको बोला, क्योंकि उनके ये इन सब करने से मैं रुक नहीं सकता. क्योंकि अगर मेरे को बाहर उभर के आना है, अगर मेरे में टैलेंट है, पोटेंशियल है, भले किस मर्जी किसी भी फील्ड में वो निकल के ही आए, हर कोई टैलेंटेड आदमी के साथ काम करता है. तो आपका फर्स्ट एक्सपीरियंस है इमरान के साथ, कंगना साहब है, नेहा भी है, तो कैसा एक्सपीरियंस रहा इन सब के साथ? जी, एक्सपीरियंस बहुत ही हाउ शुड आई पुट इट, प्राइसलेस है. क्योंकि इतने बड़े दिग्गज हैं, इमरान हैं, इनके पास इतनी कमर्शियल सक्सेस है, पूरा हाईवे और किंग के थ्रू आए हैं, और जंगल टू बी की थ्रू संजय दत्त साहब का मैं बचपन से फैन रहा हूँ, और मैंने कभी अपने सपनों में भी नहीं सोचा था कि जब उनकी फिल्में देखा था तो चाहे कि मुझे एक मौका मिलेगा कि मैं उनके साथ पेश है. सो फॉर मी इट्स अ वेरी सरील, जैसे क्योंकि इन माई हेड एक्चुअली स्पोर्ट्स में ये बहुत बड़ी फिल्म है जिसमें मुझे मौका मिला है. दे टेकन करण एस एक आई थिंक इट्स अ वेरी वेरी इट्स अ स्पेस एनी बडी वुड डाई फॉर, बट आई हैव गॉट दैट. आई होप आई एम इन अ पोजीशन कि मेरा काम मुझे आगे लेकर जाए, लोग मुझे पसंद करें और मौके मिले और फिल्में करूँ धीरे धीरे. जैसे एक मुझे जो कछुआ खरगोश की कहानी है, मैं रादर बी द
कछुआ एंड कीप ऑन गोइंग अहेड एंड धीरे चलो लेकिन धैर्य से चलो, लेकिन काम इतना अच्छे से और ऑनेस्टी और अर्नेस्टी दिखा के करो कि लोगों को आपका ना ही सिर्फ काम पसंद है पर आप जो अगर आप अच्छे इंसान हैं वो अच्छाई स्क्रीन पर झलकती है। कैमरा एक ऐसी चीज़ है जो बहुत सेंसिटिव होता है, लेंस है वो पकड़ लेती है जो आपके अंदर है, जो आप सोच रहे हैं, जितनी आप में या तो मैल है या अच्छाई है वो दिखती है। तो मैं चाहता हूँ कि जो कुछ भी मैं हूँ, ऑल आई वॉन्ट इज़ विद द ऑडियंस कि वो मेरा कनेक्ट बने, वो मेरी फिल्में आके देखें और मैं इनके ही आशीर्वाद से या इनके प्यार से आगे जा सकूँ। बहुत अच्छी आपने मूवी बनाई है, बहुत खूबसूरत टॉपिक आपने चूज किया, तो हम चाहते हैं कि आप युवाओं को एक मैसेज दें, आप क्या कहना चाहेंगे? मैं युवाओं को यही बोलना चाहूँगा कि मैं भी आप में से एक हूँ, लड़ो, हिम्मत नहीं हारना, हौसला एक ऐसी चीज़ है जो हर किसी में नहीं होती। आपका जो माइंडसेट है, बहुत लोग करप्ट करने की कोशिश करेंगे, बहुत लोग आपको नीचा दिखाएंगे, बहुत लोग कहेंगे कि यार ये तेरे से नहीं होगा, लेकिन रिवर्स साइकोलॉजी पे काम करो, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। क्योंकि अगर आप इफ़ यू डोंट थिंक यू गुड इनफ नोबडी एल्स, जिस दिन आपने एक निश्चय ले लिया, एक डिसीजन ले लिया कि आप में कम है, अपने आप को प्रूव करो, भले आप गिरो, क्योंकि जैसे ही आप गिरोगे वहीं से आप उठोगे। इट इज़ सो इम्पॉर्टेंट कि अगर आपको सपने आते हैं किसी चीज़ के, अगर आपको प्रोफेशन, जैसे मैं क्रिकेट से आया लेकिन मुझे सपने फिल्म इंडस्ट्री के आते थे, मुझे सपने फिल्मों के आते थे, मुझे एक्टिंग करनी थी, अपोजिशन था घर, लेकिन उस अपोजिशन को मैंने वो माइंडसेट चेंज किया, अपने पेरेंट्स का माइंडसेट बदला, अब जाके इस फिल्म के द्वारा जब मेरे पेरेंट्स ये फिल्म देखेंगे तो आई एम श्योर इट्स अ प्राउड मोमेंट फॉर देम एंड फॉर मी, बिकॉज एक होप ही था मेरे पास और एक डिसीजन मेकिंग थी जो मेरी थी, जिसके साथ मैं खड़ा हुआ और उतरा और रेंसिल ने मुझे देखा, वो चांस दिया और आई जस्ट थिंक, आई जस्ट होप कि आई होप द यूनिवर्स कॉन्स्पायर्स है और आप लोगों को मेरा काम पसंद आए। यही एक अपॉर्चुनिटी होती है, अगर आप लोगों को लगता है कि क्या यार लोगों को अपॉर्चुनिटी मिलती नहीं, ये एक ऐसे मौके होते हैं, अगर आप मेहनत करोगे, अगर आपको अपने में विश्वास रहेगा आपको भी मिलेगी अपॉर्चुनिटी, बिकॉज अपॉर्चुनिटी नॉक्स ऑन एवरी डोर, इट्स अप टू यू हाउ यू टेक इट। ओके, तो ये थे अंकित हमारे साथ एंड वी ऑल नो एंड वी नो कि आपके पेरेंट्स जरूर प्राउड फील करेंगे आपके ऊपर। थैंक यू। ओके।